Yes, they're all set to dominate the series. This is the second time they are with the legend, Christopher Alsin, aka Get Right, and IP champion, Avi. Get Right is some काफी ज़्यादा close खेल रहे हैं. Around the pillars, takes down one. Will he able to take another one? Dual Vendettas है इनके हाथों में. Rona ने पीछे से backhand पे support अच्छा दिया है. Get Right! It was a close call. This side पे थोड़ी सी problem जरूर आ सकती है. B2 spots out a player, but ये जो tower है, क्या इसे spot करेंगे? Oh my God, shocks! एक बहुत ही करारा shot. लेकिन Krat, look at that. Pillar के around दो player खड़े एक साथ. उसमें से एक तो Get Right है. यार स्पॉटिंग करी गेट राइट गॉट वन दूसरा फ्लैग भी निकालेंगे एल्विस को भी पिक ऑफ करा मिड से जितने भी लोग आ रहे थे कैन बी डेंजर शॉट्स इन अ प्ले लेकिन इस बार देखिए एक कनेक्टर पुश कर गए थे पिछली बार रॉकी रॉक हार्ड थे विद दिस डिसीजन बट चलिए पनिश करें पीटू की गलती हो सकती थी उधर अगर ये पिक निकल जाता बट ऐसा कुछ भी नहीं है लाश और एक ग्रेनेड है दैट्स इट आपके पास स्मोक था उसको इस्तेमाल कर दिया भावी आज आईजीएल मार रहा है लगता है शॉक्सी ने बोला आईजीएलिंग मैं कर लूंगा भावी आप मारने पे फोकस करो यू आर नॉट अ टेररिस्ट What you're doing, bro? एक पिक निकाल चुके ऑलरेडी और क्या परफेक्ट स्मोक सेटअप था and no way, Bhavi and the team they're just charging in. The team from the Pakistan region समझ नहीं आ रहा है कमिट को कि करे तो करे क्या इन्फॉर्मेशन जरूर फॉरवर्ड करिए कि भाई साहब पीछे से कोई ना कोई मौजूद जरूर है बीटू ने अपने आपको सिचुएट भी करा है रिकी को पिक ऑफ करा था बट एच एस बी बोनो दे गोइंग बेगर बकायदा बोनो ने तो अपनी टीम फ्रैग निकाल लिया बट शॉक सी थोड़ी सी गलती ना हो जाए तरीके से खेले थे बट साइजल हिमसेल्फ अगेन बट दिस टाइम सोल्ड मेट पूछ देता है आपको लेजेंड को हराना बट एचएसबी मेकिंग श्योर कि ये सबको गिराए बट एल्विस विद द थर्ड एल्विस नीड टू गेट वन ही सर्टेनली विल एंड द एस लेडीज एंड जेंटलमैन यू क्लोज द फर्स्ट मैप एल्विस व्हाट अ राउंड क्रैट डू यू थिंक सेकंड मिड पे तैयार जरूर है राउंड स्टेयर्स भावी आएंगे और भेजेंगे यू नो यू आर नॉट इन दिस राउंड काफी जल्दी मिड पे खेलने की कोशिश करी थी इट वाज अ मिड फ्लश और अब साइड पे पहुंच के प्लांट कर देंगे काफी जल्दी ऑलरेडी इंतजार था बीटू वाज टेकिंग द फुटस्टेप साउंड क्यू लिया और इनिशियली फ्रैग निकाल कर उन्होंने गेम में किया शॉक्सी बॉलर के अराउंड यहां पर अपनी ऑफ लगा के बैठे हैं क्रॉस कर चुके प्लेयर सरप्राइज करेंगे एम्बर ही इज डन दैट वाज हिज फर्स्ट डेथ बट बैक इन हिज साइड बट ट्रू एंड गेट उनकी तरफ ग्रेनेड जरूर है शॉक्स की एचपी 32 एंड लीजिए शॉक्स इट डजंट मैटर खेल के एम्बर केयरफुल रहना पड़ेगा एक प्लेयर है जरूर बालकनी Flash आएगा and okay sad but true he's just loving it. Beat करना चाहते हैं Ember अपने आप को beat कर रहा था कि B2 enable हो पाए and yes B2 takes down 3. A side का execution है किसी second में चालू हो सकता है. बस इंतजार है वो smoke से निकलने की but Ember का वो cheeky angle was enough. He got one Elvis से trade back लिया but what a cluster what a meat grinder situation it is. देखते देखते चार पेर गवाय get right. ये round काफी मुश्किल होगा but Choksi he's not missing anything and एक एक करके वो देखिए अभी हमने बात ही चालू करी थी चार पेर गवा दिया अकेले टेक गेट राइट बचे विद द टेक 9 एल्विस होल्डिंग द एम्बर एंगल और देखते देखते एम्बर उनको पिक ऑफ करेगा और मार्कस गेमिंग विंस द मैप एंड टेक डाउन द सीरीज 2-0 ज्यादा नहीं खाया है और इस फाइट के अंदर थिंग्स कैन गो साउथ एनी टाइम बट गार्डियन विद दैट कंसिस्टेंसी फ्राइबर को पिक ऑफ करा और उस प्लेयर को कवर देने के नाकाम रहेंगे यहां पे थोड़ा सा ज्यादा ऑफ कार्ड पकड़े गए फ्लैश जरूर फेंकेंगे और क्या फ्रैग निकाला है फर्स्ट वन इज डन लुकिंग फॉर द सेकंड पीछे से फायर्ड अप का ये सपोर्ट एंड गार्डियन विद द सेकंड टू डाउन करा जाएगा जरूर टेक 9 3 क्लाउड आर वेटिंग टेक्स डाउन 2 3 गो फॉर द फोर्थ नो वे किंग ओवर एग्रेसिव मूव मिड पे गए थे फ्रैग निकाले बट यहाँ पर फिर की पोजीशन काफी ज्यादा जरूरी है सीधा देखिए एक फ्रैग निकाला मोलोटॉप करके पैसिव गया एंड फोर्स करा उनको उस ड्यूल के लिए द प्रॉब्लम इज कि जाते जाते ये प्लेयर सीफो ड्रॉप कर गए जी उसी के साथ में इट्स कॉफी ब्लडी अगेंस्ट द वर्ल्ड अगर ये राउंड वो हारते गेम से बाहर हो जाएंगे क्लाउड आउट की मैक्टन ये क्या हो रहा है एक एक करके गलतियों करिए और उसी के साथ करना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा अगली प्रायोरिटी यहाँ पर रहेगी टेंपल में बट उससे पहले कुछ होता शार्प एंड आईना दोनों मिलकर बैक टू बीवी छीन रखा है फ्रॉम द टीम पाक बॉयज पिन का ये देखिए क्या ही पॉप फ्लैश था उनको मिला इट इज समथिंग जो जरूरत नहीं है बट फायर डब जाने से पहले ही इज नॉट लेटिंग दिस पंच इन बट ऐसे एक एक करके दो फ्रैग्स निकाल लिए और वहां पे स्पॉट किया बट फायर डब व्हाट अ 1v3 क्लच इन द सोर्सेज आने लगे सामने वाली की तरफ से इंस्टेंटली फॉल बैक करा बट गार्डियन विद दैट फ्लैग डायना को पिक ऑफ तो करा था बट ज्यादा देर खुशी नहीं मना पाएंगे बिकॉज कंस्ट्रक्शन के अंदर बट जिस तरीके से पाक बॉयज खेल रहे हैं डिसिप्लिन बट यस क्रेजी गेम
स्टेपिंग अप एट द करेक्ट टाइम, शार्प को पिक ऑफ करा, फाइट अपने मिड पे डीगल से, यहां पे एक अच्छा फ्रैग निकल रहा है, बग एकदम अपने आप को आगे पाएंगे, लेकिन अ क्रैकिंग शॉट टाटो की तरफ से उनके ऊपर आता हुआ है, उसके साथ साथ 1-2-3 प्लेयर्स फिर एंट्रेंस खेलेंगे, कुछ पे साइड खेलेंगे, फ्लैश की वजह से होल्ड बैक तो करेंगे, बट क्लाउड इज गोइंग बिग, ही गॉट टू, और वो ग्रेनेड की वजह से ही, देखिए अब ये देखिए ये होगा एक काफी ज्यादा जूसी पे एंगल, यहाँ पर डबल फ्रैग निकाला, क्लाउड का अच्छा सपोर्ट मिला, बट काफी इनिशियल फास्ट पुश आ चुका है, साइड के अंदर घुसने की कोशिश, बट फ्राइबर गेटिंग वन, क्लाउड अगेन ही स्टेपिंग अप बिग टाइम, एक और फ्रैग निकाला उन्होंने यहाँ पर, वेपन का अच्छा डूल हुआ था, फिर ने डैमेज देने की कोशिश करी, बट इन द एंड इट वाज फ्राइबर जिन्होंने यहाँ पे विक्ट्री हासिल करी, बट एंजल वाओ गेटिंग दैट मैक्स, कॉम्पिटिशन और सिवियर होता जाएगा, गलती करने के मौके कम होंगे, एंड यू हैव टू बी परफेक्ट प्रिसाइज, एंड वही प्रिसिजन जो है हमें यहाँ पे आज इस गेम के अंदर तो बहुत ही शानदार तरीके से, जी बिल्कुल यहाँ पे ऑफकोर्स वोट मिल से आगे जाते हुए, लेकिन काफी अच्छा यहाँ पे सेटअप जरूर करने की कोशिश थी पक बॉयज की तरफ से, लेकिन पूरे की पूरी टीम जीडीआर की वहां आगे बढ़ चुकी थी, दिस कुड बी द मोमेंट, ये एक टर्न इवेंट है, टर्न इवेंट मोमेंट है जीडीआर के लिए, बिकॉज यहाँ पे पूरी की पूरी बी साइड उनकी हो सकती है, आई हैव नो आइडिया कि व्हाई देयर वाज नो वन विद अ शार्प टू गिव हिम कवर, बिकॉज उनको दोनों साइड से पिन डाउन कर रखा था, उनका अटेंशन ग्रैब करा, दूसरी साइड स्मोक फ्लैशेस करने की कोशिश करें, यहाँ पे एक प्लेयर को स्पॉट करा, काफी जल्दी इलिमिनेट करेंगे, बड़े एंजल वाओ विद अ शार्प, दिस कॉम्बो इज डेडली, गार्डन अपने आप को टॉप मिड एम्ब्रिज की तरफ पाएंगे, एंड यहाँ पे अग्रेशन पूरा का पूरा चालू हो जाएगा, डोमिनेशन पीबी की तरफ से कोशिश रहेगी, लेकिन थोड़ा सेफ अप्रोच फाइट अप, यहाँ पे ट्रेड जरूर निकाला उन्होंने, द एमवीपी ऑफ द लास्ट राउंड थे ब्लडी, काफी अच्छे फ्रैगिंग निकाली थी यहाँ पे, बट फिर विद दैट क्लोज रेंज 5-7 इस वेपन से कायनात यहाँ पे पलटा दिए, बट यहाँ पे कब तक टिक पाएंगे, यहाँ पे एक और फ्रैग की जरूरत थी, बट क्लाउड व्हाट, ओह माय गॉड, एक और गलती एक एक करके, व्हाट द ब्लड, ओह माय गॉड, क्लोज रेंज, हाउ कैन यू लेट दिस हैपन, ओपनिंग के लिए पीबी ने कंप्लीट पुश कर दिया है, रश कर दिया है टुवर्ड्स पीबी साइड, यूटिलिटी सारी की सारी यूटिलाइज करी है, लेकिन एक करके एक एक करके वो सामने आएंगे प्लेयर्स के जीडीआर के, फ्रिबर्ग एंड शार्प शूटर अगेंस्ट फिन एंड फायर्ड अप, ओके आवाज करी, एक आवाज करी जरूर है, बट यहां पे स्पॉट करा, बट आई डोंट थिंक दिस इज इनफ टाइम, क्या ये डिफ्यूज हो पाएगा, उनके पास किट है, ओह माय गॉड, दिस इज द सेकंड टाइम अ लेजेंड, परेशानियां दिक्कतें सब एक साथ पड़ेगी, और इसी के साथ गॉड्स रेन आफ्टर विनिंग द फर्स्ट गेम इन अ सच अ डोमिनेंट फैशन, दिक्कतों में जरूर पड़ गए, लेकिन अभी भी यहां पे मौका जो है वो वाह वाह के पास में रहेगा, जहां पे थ्री प्लेयर्स फ्रॉम द एसआईआर आर स्टिल अलाइव, है जरूरी 2v, ओके 2v1 पोजीशन लीजिए, अब पूरी की पूरी बात आ चुकी है बोनो पे, ये अप्रोच की तरफ जरूरत रहेगी, लेकिन यहाँ पे भागते हुए ऑल ऑफ को क्यू मिल जरूर चुका था, लेकिन बोनो नाम से अगेन एंट्री लेने की कोशिश, सारे के सारे प्लेयर्स एक साथ यहाँ पे परफेक्ट फ्लैश करके बुलेट को कर दिया जाएगा दारशाई, लेकिन दारशाई करने से पहले ही इज गोना बी एबल टू टेक डाउन टू ऑफ द प्लेयर्स, एंड उसको कंप्लीट करने के लिए डूएबल रहेगा, फेक टैप करा जरूर है, पुल आउट करवाए एक प्लेयर को, पैर देखते हुए और बहुत अच्छा शॉट बाय फ्रीकी, और देख बहुत ही अच्छा सपोर्ट बाय बुलेट टू, लेकिन फ्रीकी ही इज डिफ्यूजिंग, कम ऑन यू हैव टू डिनाई हिम, नो वे ही माइट डू इट, एंड यस फावा विंस द राउंड, एक को उन्होंने स्लाइट डैमेज तो दिया, एंड आई थिंक सो यप ही जस्ट कीप फार्मिंग, दो गिरा चुके हैं इस गलील के साथ, एंड ऑल ऑफ विद द एस, पांच आए पांच हो गए, टी जाएगी एमसी के साथ साथ जो पोजीशन है वो खींच ली जाएगी, और परफेक्ट परफेक्ट एंट्री यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड्स के साथ शुरुआत जरूर, 4v5 की जो ये सिचुएशन है अभी भी कंटिन्यू और हो जाए ये रही है, एंड मिड पे वंस अगेन जो फाइट है ये पूरी पूरी आ जाती है, ऑन दिस साइड रॉकी की भी ज्यादा एचपी थी नहीं, फ्री की आए एंड उन्होंने बोला दैट्स गोना बी द एंड, दैट्स थोड़े से लकी हो जाए इन सर्टेन सिचुएशंस, एंड इट्स बुट सेफ वंडर बालकनी, बहुत ही बढ़िया पिक, मतलब ये कि आपके पास इतना सा बाय नहीं है, बट चलो गेट राइट, एक पिक निकाला है, बट फ्री की इंस्टेंटली ट्रेड निकालेंगे और बोल देंगे भाई चलिए एक ही उस पिक के आप हकदार थे, उससे ज्यादा मिल नहीं पाएगा, ओलोफ को केयरफुल रहना पड़ेगा, बट ओहो एग्जीक्यूशनर अपने साइड पे एक प्लेयर है, ही हैजंट चेक्ड इट येट, और गेट राइट उसी को पनिश करेंगे, बट जाने से पहले वो एक पिक निकाल के गए, गेट राइट का ये कंट्रोल यहाँ पे वैन की तरफ ट्रक की तरफ बहुत ही ज्यादा उंधा परफॉर्म करते हुए, विल बी रेडी साइड पे एंट्री लेने से पहले जंगल के थ्रू यहां से फ्रीकी ने ऑफ कोर्स करी है कोशिश बहुत ही शानदार, बट एट द सेम पॉइंट टाइम द नंबर्स फेवरिंग, वाह वाह बोलो फ्यूचर, बट एक अच्छा फ्लैश अग्रेसिव पुश, बट ट्रेड हो चुका है, क्या बुलेट एक पिक निकाल पाएंगे, नो
instant trade dodge. Can Olaf got taken down by soulmate. शांति पूर्वक गेट राइट ने यहाँ पे एक पॉइंट निकाला, एक और फ्रैग निकालने की कोशिश, लेकिन उसी के साथ साथ वाह वाह जो हमारी टीम है ये 2-0 के स्कोर कार्ड से इस BO3 सीरीज को करेगी फिनिश।